ब्रिज देखने वास्ते ये मुंडे बड़ी अच्छे यंग यंग मुंडे अपने को इतने मिल गए डाइया डुइया लान लगे से अपना रोकिया इतने इस जगह के बारे कुछ इन्होंने जानते हैं पूछते हैं देखो किन्ने कुछ कुछ चेर चेरे है एन तगड़े रहो रमन डट के बोल यार विशाल विशाल मेरा हाथ नहीं हर्ष यदा भार ज़्यादा होंगे सी लगता ये तैर तैर के मुंडा पतला हो एक गुर सीख लो इतों जोड़े भी पतले बंदे होना चाहते हैं स्विमिंग करो नहर ना जाइए स्विमिंग पूल के जाइए ये तो बड़े तैराक है तगड़े इस वास्ते कोई इदा का कदम ना करिए भी नहर में जाके नहा ला पाओ पर यह मुंडे ट्रेंड है इतने लोकल है रहने वाले है बेटा तेरा नाम प्रिंस रोहित जी रोहित सौरभ जी सौरभ तू भी आ यार ये साडा नोन है ये शौक है साड़ा मित्र वह मुंडा है साड़ी कलोनी के कोल ही इन्ह का शॉपिंग मॉल है देखो की नाम तेरा बेटा लखविंदर है लखविंदर चलो ठीक है अपना अपना दसो भी यार केड़ा कोई केड़ा मुंडा बोलूगा दसो कि इस एरिए बारे बोल दो माड़ा जहा ये हंडोला ही है जी पुल है जी काफ़ी टाइम पुराना जी पहला थोड़ा थोड़ा कच्चा होंगे जी हूँ तो पक्का हो गया जी ठीक पहला तो अद्धे अंग्रेज समान लग जाती जी कंक्रीट हूँ जी इतने ही जाती बनकर जी फिर इतने अगर ट्रेन च लोड होंगी जी उसे भाखड़े में जाती इतने कहते कोई सुरंग भी है थोड़ा सुरंग नैली तक सुरंग शुरू हो जाती जी ठीक है जी सुरंग शुरू होनी तो फिर बर्म लगा निकलती जी जाकर जी ओके पहले जो समान आता है इतने आना कन्वेयर बेल्ट होती है हाँ जी कन्वेयर बेल्ट कहते इंग्लिश कन्वेयर जो पटा होंगे जरा हाँ जी और ये जो 1948 के भाखड़ा डैम बनना शुरू होया 1963 के उद्घाटन पंडित जवाहर लाल नहरू ने किया तो प्राइम मिनिस्टर होंगे सी लेकिन जोड़ा भाखड़े का फुल प्रोडक्शन हुई शुरू वह हुई 1970 तो इतने जिन्ना समान लगा उस टाइम पर 245 करोड़ रुपया लगा और जिनी कॉन्क्रीट पत्थर जिन्ना इतने लगा है उस दे नाल पूरे संसार की जड़ी रोड्स है सड़क है वह पूरे संसार दियाँ इन्नी उस कंक्रीट लगी है कि 245 करोड़ रुपये उस टाइम पर इन्ना सस्ता जमाना होंदा सी कि जिन्नियां कंक्रीट या सीमेंट या लोहा लगा वह पूरी दुनिया भी सड़क बन सकदियां सी लेकिन सारा मटीरियल जिहड़ा वह भाखड़े दे विच लगा और उहदे नाल ग्रीन रेवोल्यूशन आई है खेतीबाड़ी हुई है बिजली बनानी शुरू हुई है और पंजाब हरियाणा हिमाचल राजस्थान ये सारे बिजली जाती है पानी जाता है तो खुशहाली भी आई है ये मुंडे थानू तैर तूर के भी दिखाएंगे होर अपने अपना दसो यार एक्सपीरियंस भी दसो कि शिकार शकूर करते की करते की करते की करते कि पढ़ रहे लिखते दसो यार बाकी ये दो जड़े मुंडे है ये आर्मी भी वेरी गुड वेरी गुड मैं भी एयरफोर्स तो है पहले मैं एयरफोर्स चुनता सी फिर मैं कमर्शियल पायलट चले गया बड़े बड़े जहाज आर्मी च कि प्लस टू की है हाँ जी मैं बीए हो गई हूँ बीए हो गई आर्मी किस वास्ते जाना चाहते हूँ तो जी डी का पेपर है ओके जनरल तेरा मेरा सेम जी डी जनरल ड्यूटी है और रिटर्न रुटर्न हो गया कुछ हो गया रिटर्न होना है उसका फिजिकल हो गया फिट हो गए मुबारक एडवांस देने है तगड़ा हो गया मना यार हाथ है फौजी है आप फौजी है तगड़ा बनना जरा स्ट्रोंग ठीक है और तू भी कर रहा बेटा ये स्विमर है यार ये तगड़ा स्विमर है फोटो जरूर लै ये ना दस यार एक बार अपना हो मेरा नाम हर्षवर्धन हर्षवर्धन ये कहते बड़ा तगड़ा मोटा मतलब मोटा नहीं कह सकते सेहत वाला होता सी और उस तो बाद हुण इन्हें स्विमिंग कर करके इन्हें तगड़ा होया देखो कुत्ते भी नहा जा रहा वह शॉट ले ला यार एक और देखो कुत्ते नहा जा रहे की कर रहे हैं आप भी नहा जा रहे और देख और देख साढ़े नाल दो मुंडे होर आ गए भी नवे तैराक आ जाओ भी काका
ਮਾਰੋ ਐਂਟਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਗੱਗੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਈ ਤਾਕਤ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਗੱਗੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੜਾ ਸਵੀਮਰ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਨੂੰ ਅਭੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੋ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਰਮੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਨਕਾ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈ ਗਈ ਬਾਹਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਹਲਾ ਘੰਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਚਿੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਲਾ ਘੰਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੰਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਲਾ ਘੰਟ ਵਿਊ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਰਮੋਤੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਦਾ कपड़े पवाते हैं कपड़े लवाने दिखाने स्विमिंग करते इंजॉय लाइफ अपनी पिंड शुद्ध खाना शुद्ध हवा ये सारी नेचर जी है ये वर्ग की चीज़ कोई नहीं है और आप यही कहोंगे भी अपनी फ्रैश नेचर दे विच तुसी नेचर दे नाल क्लोज रहो और तंदुरुस्त रहो इंजॉय करो लाइफ छोटी जी लाइफ है बट जे नूं तुसी अच्छे ढंग नाल जीओगे तो वो ही काफ़ी है लोग कहते यार बड़ी लंबी उम्र हो गई ये है वो है प्लांट मकान तो छोटी जी उम्र है हैल्दी हो फिट हो आई थिंक दैट इज़ मोर दैन सफिशेंट हम इन्हों इंजॉय करते हुए दिखाने देखने वाले श्रोता आम बंदा नदी के ना जाइए बार बार रिपीट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्कस क्योंकि ये अपने फ्रेंड है बचपन तो उत्थे रहे हैं इन्होंने इन्ना डाउट्स पता है उस हिसाब न अपना इंजॉय कर रहे हैं देखो पुराने जमाने दे विच किस तरह लोग ना अपने नदियां दे कंडे जां अपने खूहां दे कंडे आके अपने कपड़े धोंदे हुंदे सी आ एक सानू लाइव आपां तुहानूं छोटा जिहा एक क्लिप दिखा रहे हैं और देखो माता जी कपड़े लैके आए अपने घरों इत्थों नैचुरल पानी इत्थों पानी लैणगे इत्थे धो के अपने लै जाणगे पहले इदां इह जमाना हुंदा सी हुण तां घरां दे विच ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनस आ गई ड्रायर्स आ गए चलो खैर आ देखो आनंद आनंद लो मुंडे देखो कि कलाबाजियाँ खा रहे हैं वह देखो किनिया कलाबाजियाँ खा रहे हैं वह देखो उन्हें मारी डाई ये गया नक बंद करके विच इंजॉय कर रहे हैं एक देखा जाए तो जड़ी लाइफ है ना वो बीइंग ए स्टूडेंट बहुत अच्छी होंदी है लोग कहिंदे यार सानू पढ़ना पैंदा ये है वो है लेकिन केयर फ्री जो पेरेंट्स का साथ होए और बच्चे अपना इंजॉय करते हैं देखो कि इंजॉय कर रहे हैं कोई दीन दुनिया दी नू कोई फिक्र नहीं है फाका नहीं है तो आई थिंक एवरी वन शुड लिव दिस लाइफ जे कोई प्रॉब्लम्स हैगी हैं तो उन्होंने एक साइड पर रख देना चाहिए और लाइफ यार इट्स अ वेरी स्मॉल लाइफ टेंशनस एक पासे रखो लाइफ में इंजॉय करो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਭੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਸੇਜ ਭਾਅ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਓਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅਭੀ 555 ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਰਾ ਨਾ ਖੜਿਆ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਰਮੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੌਖੇ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਰਿਵੀਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ
ਸਵਾਰੇ ਕੋਲ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਦਮੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਦੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਰੱਖੋ ਲਿਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪਰ ਦਰਦ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ